Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I'm Dudar and I make music related videos on this channel. Please subscribe. So a quick disclaimer, this video is going to be in Hindi and I know most of my subscribers aren't from India, but this is for my Indian friends who have asked me a lot of times how to start listening to English music or how to create interest in English music, just how they have in Bollywood. I hope you still support me and like this video if you don't understand Hindi. So let's get into the video. इस बारे में मैंने YouTube पे ज़्यादा videos नहीं देखी. I think 2-3 videos हैं. Hopefully आपको help मिलेगी. And most importantly, मैं एक beginners Spotify playlist अपने description में डाल दूँगी जो मैंने बनाई है for beginners. उसमें मोस्टली ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि बहुत फेमस हुए हैं इंडिया में, तो दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी है, आपने उसको सुन रखा होगा मे बी टिकटॉक इंस्टाग्राम एडिट्स में, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं. अगर आप स्पॉटिफाई यूज़र हैं तो वो चेक कर सकते हैं. तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी. तो फर्स्ट पार्ट कि हाउ टू फाइंड द राइट म्यूज़िक, सही म्यूज़िक को कैसे ढूंढना है. तो फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड योर जॉनरा. जॉनरा मतलब कोई म्यूज़िक का कैटेगरी. आपको पॉप म्यूज़िक पसंद होगा, रॉक म्यूज़िक, क्लासिकल पसंद होगा, जैज, हिप हॉप, बहुत कैटेगरीज होती है म्यूज़िक में. हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यू लाइक सैड सॉन्ग्स. यूट्यूब पे यू जस्ट नीड टू राइट सैड सॉन्ग्स इन इंग्लिश. इट्स दैट सिंपल. मे बी ये सब ने कर रखा होगा, तो यू विल फाइंड बहुत फेमस वाले सॉन्ग्स. एंड अगर आपको पर्टिकुलर ऐसे सॉन्ग कोई नहीं ढूंढना है तो यू कैन टाइप बिलबोर्ड टॉप 50 सॉन्ग्स. इसमें आपको वर्ल्ड वाइड सबसे टॉप चार्ट्स के जो सॉन्ग्स होते हैं वो मिलेंगे. म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं गाना, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन, बहुत सारे हैं. मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ स्पॉटिफाई, बिकॉज स्पॉटिफाई म्यूजिक रिकमेंडेशन भी देता है आपके टेस्ट के हिसाब से, तो वो बहुत ज़्यादा सही है. अ फ्यू डेज बैक मुझे कुछ हिंदी सैड सॉन्ग्स की लिस्ट चाहिए थी, तो मुझे एक मैशअप बनाना था. चेक दिस आउट. एंड वहाँ पे मैंने जाके सर्च किया कि हिंदी सैड सॉन्ग्स, तो स्पॉटिफाई पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाती है, पूरी लिस्ट मिल जाती है. तो द सेम वे आप इंग्लिश भी सर्च कर सकते हैं स्पॉटिफाई पे, बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. इसका एक और प्रोसेस है कि ट्राई टू लिसन टू फेमस आर्टिस्ट. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जिसकी हाइप है ज़्यादा, आप लोग बिगिनर हैं और आप उसके गाने सुनोगे तो वो एक अलग थ्रिल देगा. मे बी आप ट्राई कर सकते हो. इंडिया में मोस्ट फेमस कौन है? जस्टिन बीबर, जैन मलिक, सेलिना गोमेज, एड शीरन, चेन स्मोकर्स, इनमें से एक का नाम तो आपने ऑब्वियसली सुना होगा. प्रतीक कुहाड़ के इंग्लिश गाने भी बहुत कैची होते हैं, तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं. अब आजकल आई थिंक अरमान मलिक ने भी कोई इंग्लिश गाना निकाला है. फिर इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में सॉन्ग्स कौन से सुनने चाहिए, तो सॉन्ग्स में भी यही सेम चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो आपने बार बार सुना है तो वो अगर आप सुनोगे तो वो उसमें एकदम से इंटरेस्ट आएगा. बिकॉज आप अभी बिगिनर हो और एकदम से कोई नया गाना उठा के सुनोगे तो आई डोंट थिंक इंटरेस्ट आएगा. बट उसमें भी इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होना है वो मैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के बताऊँगी. तो जो सॉन्ग्स हैं मे बी जैसे बहुत फेमस हुए हैं वो चेन स्मोकर का क्लोजर हुआ है बहुत ज़्यादा, और इफ़ यू रिमेंबर शेप ऑफ यू बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. तो अगर आप इससे स्टार्ट करोगे तो वो भी बहुत अच्छा है. अब वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू मेंटेन योर इंटरेस्ट इन वेस्टर्न म्यूजिक. मतलब आप सॉन्ग्स तो आप सुन रहे हो पर वो इंटरेस्ट हमेशा के लिए कैसे रखें, मतलब और बिल्ड होता रहे, वो कैसे अचीव कर सकते हैं. बिकॉज आप चाहते तो हो कि वेस्टर्न म्यूजिक में इंटरेस्ट आए, मैं भी सुनूं, बट आप लोग जब सुन रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा कि यार ऐसा क्या है इसमें, मतलब फील ही नहीं आ रही जो बॉलीवुड से आती है. तो उस सिचुएशन में मैं अभी भी आ जाती हूँ. तो ये क्रैक करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि डू नॉट स्टॉप दी सॉन्ग. 1 time, 2 time, 3 time, 4 time उसे सुनते रहना है. सर्च उसके लिरिक्स, मतलब जो सॉन्ग आप सुन रहे हो उसके लिरिक्स सर्च करो गूगल पे जाके, एंड उस लिरिक्स को रीड आउट करते करते उस म्यूज़िक को सुनो उसके साथ साथ लाइन टू लाइन. उसके बाद आप खुद ही यू नो रियलाइज करोगे कि वाओ, बिकॉज मोस्टली इंग्लिश सॉन्ग्स के बहुत डीपर मीनिंग्स होते हैं. उसके साथ साथ आप अगर लिरिक्स रीड आउट करोगे तो मे बी आपको पता चले कि हाँ कुछ तो बात है इस सॉन्ग में. अगर आपको उसका म्यूज़िक पसंद नहीं आया तो आपको उसके लिरिक्स तो डेफिनेटली अच्छे लगेंगे. और अगर इसके बाद भी आपको नहीं पसंद आ रहा, दैट मीन्स चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे. नेक्स्ट प्रोसेस है सर्च उसकी म्यूज़िक वीडियो.
तो YouTube पे सर्च करना है उस गाने की म्यूज़िक वीडियो। इंग्लिश सॉन्ग्स की म्यूज़िक वीडियोज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही कैची होती है। जैसे एक सॉन्ग था मार्शमेलो का हैप्पियर, मुझे वो फर्स्ट ट्राई में सुनने में इतना अच्छा नहीं लगा था। अब मैंने उसकी वीडियो देखी एंड फिर उस सॉन्ग का मेरे लिए पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। मतलब मैं उसको अलग वे से देखती थी और जब मैंने म्यूज़िक वीडियो देखी उसके बाद मतलब वो बहुत ही डीप हिट कर गया एकदम। तो मे बी आपको ये वर्क करे कि आप उस सॉन्ग की म्यूज़िक वीडियो देखो। कुछ सॉन्ग्स की म्यूज़िक वीडियो ऐसे चिल भी होती है, तो कोई बात नहीं, वो म्यूज़िक वीडियो देखो, उसके बाद आपको शायद फन भी लगे वो म्यूज़िक। इसके बाद तो मुझे लगता है कि गारंटीड आपको म्यूज़िक अच्छा लगेगा और लगना भी चाहिए। बट अगर ये सारी प्रोसेस आपने करी है और फिर भी आपको मतलब माइंड से नहीं है कि आपको सुनना है, तब तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तब आप बार बार बॉलीवुड ही स्विच करोगे। डजेंट मैटर कि आपको इंग्लिश भी आती है, डजेंट मैटर कि आपको लैंग्वेज समझ आ रही है, आपको मीनिंग समझ आ रहा है। लास्ट स्टेप तो इसकी यही है कि उसके बाद अगर आपको वो भी सॉन्ग अच्छा नहीं लगता तो आप कोई और सॉन्ग पे ट्राई करो, मे बी फेमस सॉन्ग में ट्राई करो, मे बी अच्छा लगे। अगर कोई सॉन्ग अच्छा लगा है तो लास्ट चीज़ तो यही है कि उस जैसे सिमिलर सॉन्ग्स को ढूंढो और फिर उसे सुनो। और अगर आप सच्ची में इंग्लिश म्यूज़िक सुनना चाहते हो तो फिर आप डेफिनेटली सुन पाओगे, बिकॉज आपको दिल से करना है। आई होप आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो मे बी आपको हेल्प मिले। और अगर आपको हेल्प मिली तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि ये वर्क किया। अदरवाइज़ मैं और कुछ सोचूंगी कि और कैसे हो सकता है कि आप लोग सुन सको। एंड स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट चेक करना नीचे, वो बहुत हेल्प करेगा। मैं जो सॉन्ग्स प्लेलिस्ट में ऐड करूँगी वो बहुत फेमस होंगे, मे बी आपको वो अच्छे लगे। और अगर अच्छे नहीं लगे तो फिर उसकी म्यूज़िक वीडियो देखना, मे बी उससे आपको कुछ क्लैरिटी मिले। वेल दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये आपको हेल्प करे, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसी वीडियो बता रही हूँ कि लोगों को हेल्प करे किसी चीज़ में। अगर आपको और कुछ चीज़ जाननी है, कोई म्यूज़िक रिलेटेड चीज़ हो, कोई क्वेश्चन, एनी थिंग, तो DM मी ऑन इंस्टाग्राम और मे बी कमेंट डाउन बिलो, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अगर आप अभी तक हो तो कमेंट डाउन विद अ रेड हार्ट इमोजी। आई डोंट नो व्हाई आई लव डूइंग दिस, बिकॉज मेरे को जानना होता है कि कौन एंड तक देख रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब और आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।